हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड आज है महाशिवरात्रि, शिव जी का खास दिन। तो चलते हैं पूजा करने। ये मैंने सामान रख लिया है सारा और मैंने पहन के मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है इसलिए साड़ी नहीं पहनी, सूट ही चलेगा अभी तो। और दीदी आ चुकी हैं, मैं चलती हूँ। चल अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि इनके भाई और मेरे हस्बैंड गंगा जल लेके आए हैं कांवड़। तो आज के दिन वो चढ़ाएंगे हम। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। दीदी बहुत कंफ्यूज हो गई, मैं वीडियो बनाने लगी। मंदिर के बाहर थाली मुझे दे। तो पता नहीं चला मैं खड़ी कहाँ हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैं जल लेने गई, क्योंकि घर से जल लाना हम भूल गए थे। तो सिंपल जल भी लाना चाहिए। पानी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आगे से आप सब भी ध्यान रखा। अगर मंदिर में पानी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। मैंने जल ले लिया है, जल ले के मैं फिर हो गया, बंद करूँ रखूँगी अपनी थाली में। वहाँ पैर तो जल डर लगता है ना, कहीं पैर में लग जाए किसी के जल पे तो अच्छा ना हो। बचाव बचा के चलना पड़ रहा है कि किसी का जल ना रखो। काफ़ी भीड़ है आगे पीछे, क्योंकि फैमिली भी कावड़ियाँ होती तो चल भी जाता। फैमिली भी आ रही है ना, फैमिली तीन चार लोग तो हैं ही जो जल के लिए आएंगे, जितनी श्रद्धा हो। आखिरकार हमें जगह मिल गई है और हम निकलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये अपनी कावड़ को जल देने से पहले कावड़ को पूजा करते हैं कावड़ की। तो आप सब मेरे साथ देखते हैं कावड़ हमारा मंदिर के पीछे थोड़ी सी जगह सफाई करते हैं। आप सबको पता है कि कावड़ को हमेशा झुलाते हैं, मतलब कोई डंडी या किसी ऊंची चीज़ पर रखते हैं। तो सेम इसी तरीके से वहाँ पे रखे गए हैं कावड़। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, देखो ये रहे। जो जिसकी जैसी श्रद्धा सब लेके आए, कोई केन में, कोई ऐसे, कोई ये बड़े वाले, सब अपने अपनी श्रद्धा अनुसार लेके आए। और ये छोटी छोटी बोतलें भी लाए हैं, बच्चों के भी काम आएंगे ना, बच्चे भी चढ़ाएंगे ना। तो इन्हीं में से हम पानी थोड़ा सा ले लेंगे जल, और फिर उसके बाद चढ़ाएंगे शिव जी को। काफ़ी सारी कावड़ी बड़ी बड़ी, मैं देख के हैरान, कैसे लेके आए होंगे, कितनी मुश्किल से भाई। ये भगवान की लीला ही है। और जैसा कि भीड़ के साथ हम भी घुस चुके हैं अंदर, और मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ गाइस। और बाकी ये जगह बना बना के घुस रहे, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाऊँगी। तो हमें मिल चुकी है जगह, पीछे की साइड से जाएंगे हम। मिल गई जगह, हाँ इधर भी लोग पूजा ही कर रहे हैं। है जगह है। चलो पीछे की तरफ ही, हाँ है पीछे की तरफ से कर देंगे पूजा। पूजा ही तो करनी है, शिव जी होनी चाहिए सामने, श्रद्धा होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने दीदी को
पकड़ा दिया सारा सामान, मैं बना रही वीडियो, दीदी कैसे नहीं लगी किसी एक को तो बनानी पड़ेगी वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके ऊपर से, दिखाती हूँ फ़ोन हाथ में, इतना लंबा नहीं है ना, ऊपर से दिखाती हूँ कैसे जल चढ़ा के। और ये भी भगवान जी ने यहाँ पर सिद्ध कर रखा है, जैसे जहाँ जगह मिल जाए मंदिर में। देखो भाई जितनी भीड़ है ना, जिसको जैसे नंबर आए, और ये खड़े हैं सामने पंडित जी जो संकल्प करते जा रहे हैं और कांवड़िया अपनी जल चढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके करेंगे तो कितने संकल्प करेंगे, इसलिए वो संकल्प कंटिन्यू करे जा रहे हैं और कांवड़िया अपना जल चढ़ाए जा रहे हैं। हमारा भी जल अब कर जाएगा चहल की। तो गाइस आप सब भी बताना किस किस के घर में कांवड़ लेने गए हैं और आप सब ने कैसे कैसे पूजा करी। ठीक है, हमने तो ऐसे ही करी, और ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाती ना, छोटी छोटी वीडियो जोड़ के करके तब बनाते हैं। और अब हम घर की तरफ चलते हैं। अब मैंने ले लिया सामान और दीदी बना रही है वीडियो, है ना, अच्छा है ना, क्योंकि इन्होंने हम सबको ही कवर कर लिया, मेरे को कवर करना नहीं आता। तो घर की तरफ चलते हैं, फिर करेंगे अपनी कंच का वो ब्लॉग नहीं डालूंगी गाइस, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे हम भी और हस्बैंड जी भी। तो अब वो करेंगे रेस्ट और हम करेंगे अपनी पूजा घर की और फिर करेंगे कन्या। तो बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आप सब वीडियो को बहुत इंजॉय करना और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे चैनल पर बनाए रखना। थैंक यू सो मच।